इस श्लोक का क्या अर्थ है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थ, पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं, श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी द्व्यक्षर नाम का जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमा रहता हूँ। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। कथा, एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि अभी वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने पर जब भगवान शिव ने पुनः पार्वती जी को बुलाया, तभी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के समाप्त होने के पश्चात ही आ सकेंगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस दो अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम इस द्वाक्षर नाम का जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जई पिए संग भवानी। मानस 1:19-6।